यूट्यूब चैनल ट्रैवल इन वे। आज फिफ्थ डे में हम अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं लेखा टॉप के लिए। तो अभी भाई ट्रैक के सिर्फ दो रूल है, सिर्फ हम तीनों के लिए, औरों के लिए दुनिया जो कोई आएगा ना। ठीक है, एक रूल बता देता हूँ मैं, एक तो सीक्रेट है क्या एक सीक्रेट है, एक दूसरा बता दे। पहला रूल क्या था? हाँ, कि जब तक तू नहीं बैठेगा जब तक मैं ना बोलूँ कहीं बैठना नहीं, चलते रहना है। ठीक है ठीक है ओके। तो लेखा टॉप आते हुए आप लोगों को कुछ चीज़ों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, जो कि पहले तो आप जब भी आएंगे तो विदाउट ट्रैक गाइड नहीं आएंगे, जो कि आप लोकल जखोल विलेज से ही अपॉइंट कर सकते हैं। तो अभी हमने दिखाते हैं कितना ट्रैक कवर किया है। ये कुछ घर दिख रहे होंगे आपको, ये अपने विलेज के ही ना, हाँ अपने जाखोल विलेज के घर हैं ये, जो साइड से बिल्कुल लास्ट में जो घर है वो हैं ये। और बस अभी कुछ ही ट्रैक कवर हुआ है, अभी तो बहुत लंबा ट्रैक है, बहुत लंबी ट्रैकिंग करनी है हमें, आगे आगे जाना है। और जे भी तुम कर चुके हो, पहले किया तुमने? ये व्लॉग शायद थोड़ा लंबा हो जाए, तो मैं आपको दो पार्ट में ये व्लॉग दिखाऊंगा, एक हाइक करते हुए और दूसरा जहां हम टॉप पे पहुंचेंगे, जो भी हमारी वहां की एक्टिविटी होंगी वो हम वहां जाके आपको बताएंगे दिखाएंगे। तो आई थिंक रास्ते में इस तरीके की बॉर्डर क्रॉसिंग आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही नेचुरल और टेस्टी पानी है। वाटर बॉटल आप अगर एक भी लेके आते हैं तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है, आप रास्ते में इस तरीके से पानी भर सकते हैं, कहीं से भी पी सकते हैं। बड़ा बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है यार इन रास्तों पे चलते हुए। बड़ा ही ध्यान रखना, मतलब कि शूज़ आपके हाइकिंग शूज़ होने चाहिए जिनमें ग्रिप अच्छी हो, आराम से पैर रखें और धीरे धीरे से चढ़ें इन रास्तों पे। रास्ते में चलते चलते जब आप तकरीबन 1 घंटे का ट्रैक कवर कर लेंगे, तो आपको ये आराम घर, विश्राम घर या रेस्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। आप यहाँ से बैठे जहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है नीचे, और जीपी भाई ने डाला मारा है, और मैं ये आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ पानी पानी है, कोरा कोरा दिखाता हूँ मैं आपको। और जब हम ऊपर जाएंगे तो आई थिंक ये ऐसे बोल रहे थे कि जो केदार कांठा का टॉप व्यू है, टॉप पॉइंट है, वो वहाँ से दिखेगा, विजुअल होता है, मैं आपको वो दिखाऊंगा आगे। और देखिए पीछे कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, ये सोम घाटी का एरिया है, इसके पीछे भी अगर हम बोल रहे थे ये 5 गांव हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, दिख रहा है वहाँ पे, और ऐसे ही खाली खाली जाए नहीं, वहाँ पे भी उसके पीछे 5 गांव हैं और रहते हैं लोग वहाँ पे भी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार और एहसान मंद हूँ मेरे रब, मेरे अल्लाह का, कि जिसने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी कि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकता हूँ। और उसका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने मुझे ऐसे माँ बाप दिए कि मतलब कि मैं अपने मम्मी पापा से कुछ भी कह देता हूँ और वो मेरी हर खुशी में खुश रहते हैं। हालांकि सभी के माँ बाप ऐसे ही होते हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनली अपने अम्मी पापा का एहसान मंद हूँ, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी, ऐसे माँ बाप दिए। इंसान इंसान क्या यहाँ से ना ऐसे हाथ से बर्फ निकाल रखी है, मुझे लग रहा कि इसमें लेपर्ड का है। इसने देखा, और एक बार फिर से हमने अपने पानी की तलाश पूरी की है, और ये हमारे भाई साहब बियर ग्रिल पानी भर रहे हैं अक्षय कुमार के साथ नेचुरल पानी बिस्लरी का। हाँ, ये भाई साहब हालत बिल्कुल साफ कर देता है ऐसे। दोस्त हैं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो दूंगा यूट्यूब पर, पहली बार हिस्ट्री में
लेखा टॉप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगा विद सपोर्ट ऑफ मेगा भाई एंड जे पी भाई। तो काफ़ी देर हो गई हमें चलते हुए और 2 घंटे के समथिंग बहुत ऊँचाई पर आ गए, काफ़ी ऊँचाई पर है अभी, इतना टॉप पे हैं कि सब कुछ बहुत नीचे नीचे दिख रहा है। तो ये बैग मैंने इसलिए टांग रखा है कि मैं अपनी कैपेसिटी को चेक करना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कि मैं जैसे शोम घाटी मैंने किया था तो खाली था, मैं कोई बैग वैग नहीं था हमारे पास, आज मैंने एक बैग टांगा है और ये मुझे बताएगा कि हाँ आगे भी मैं इससे लंबे ट्रैक कर सकता हूँ कि नहीं, मेरे में कितनी कैपेसिटी है। और एक बार फिर से हमारे सामने पानी और बर्फ़ के नज़ारे, कि हम कोई ट्रैक पे हैं ऐसा मस्ती में चल रहे हैं, मस्ती में चल रहे हैं। हाँ वो है ना, स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा थकन लगती है, पानी भर रखा है यार, थोड़ा थोड़ा पीना है तो पी लेना, वहीं से डायरेक्ट पी लो ना। हाँ हाँ बोतल को मत छेड़ो, ठीक है। देखो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, प्लीज़ आप कोई गलत कमेंट मत करिए इस चीज़ पे, यहाँ पे ये एक नेचर है, नेचर ने कुछ ऐसा सीन बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ, चल के देखिए। ये एक ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और जिसने कुर्सी के ऊपर बैठा है और उसने पैर इधर उधर कर रखे हैं, ये देखिए। बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको ट्रैवल इनवे के साथ, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकती हैं। चलो शाम को देखना है बस, अच्छा शाम को उनको इकट्ठे करना है। हाँ चलो जी अब घर चलते हैं, बहुत दूर आ जाते हैं तुम गाय चलाते चलाते, नीचे घास वास खत्म हो जाती है। हाँ सर्दी में तो और ज़्यादा दिक्कत होती होगी ना, सर्दियों में तो घर ही रहते हैं। अच्छा क्यों, सर्दी में तो बर्फ़ ऐसे लदी होती होगी ना यहाँ पे, तीन चार फीट तो गांव में होती है, यहाँ तो भाई पता ही नहीं क्या हाल हो रखा होगा, यही माउंट एवरेस्ट बन जाता होगा। ऊपर का भी थोड़ा कैमरा ऐसे घुमा के, ये पाइन ट्री है ना ये सारे, ठीक है। ओहो आनंद, और पहाड़ी गीत सुनाते हुए मेघा भाई और जेपी भाई, बिट्टू भाई क्या बोला। हाँ ये गलत बात है, जो भी टूरिस्ट या कोई भी आते हैं इस तरीके के, तुम एक समाज सेवा कर देते हाँ। पॉलिथीन लम्बी उठा के इसको पहाड़ों में वैसे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इसको ले जाएगा कौन। चलो, चलो। हाँ रख लो बैग में, मेरे इस बैग में डाल दो, थोड़ा सा नेचर का भी ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। हाँ अपन लोग जो है बाहर से आते हैं तो यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको जो है बना के रखना ये हमारी जिम्मेदारी भी है एज अ टूरिस्ट, केवल हमारी ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम ट्रैक को कंप्लीट करें। सही बात है यार, गंदगी नहीं करनी चाहिए, अपने जो है शालीनता का परिचय दें अपने। दिलीप भाई अब ऐसा लगता है ये जो रास्ता है कभी रुकना नहीं चाहिए। हाँ यार जीपी भाई, पहले के टाइम में क्या होता था, अभी तो ठीक है अभी रोडे आने लग गई, पहले के टाइम में हम लोग जो गांव के लोकल थे वो भी क्या है आपके देहरादून से और विकासनगर से, ठीक है कंधे पे लाके हाँ। चावल आटा नमक वगैरह सब कंधे पे विकासनगर से लेके आते थे, जब रोड नहीं थी, जब इधर कहीं भी रोड नहीं थी, इतना लंबा कम से कम चार चार पांच पांच दिन एक एक हफ्ते लग जाते थे गांव आने में। ओ भाई इतना टफ था, इतनी टफ लाइफ थी यार। यस अब तो कितना आसान हो गया रोड आने से जो है, ठीक हो गया है, ठीक हो गया, सही बात है। ये पिन्नी का प्लांट है और इसके ऊपर देखिए आप पर्पल कलर के, पर्पल एंड पिंक कलर के स्टार्स हैं, बहुत ही हाँ आपने मुन्नी बदनाम शीला की जवानी सुना होगा, लेकिन तिन्नी का पेड़ पहली बार देखो, अगर जैसे अभी हम कुछ ना भी बोले तब भी आप इस वीडियो को देखें। हाँ बोलता रहे तू, क्योंकि ये व्यूज कुछ ऐसे हैं, ऐसे इस तरीके से पेड़ दिख रहे हैं हमें, तो हम कुछ साइलेंट क्लिप्स भी लेंगे चलते चलते। ओ वाह माय गॉड, दिस इज द नेचर, शुक्रान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
आप लोग भी वीडियो में देखेंगे यार कितना खूबसूरत ट्रैक है। मैं सबको रिकमेंड करूँगा, सबको रिकमेंड करूँगा जो लोग भी केदारकंठा या हरकीदून ट्रैक पे जाते हैं, प्लीज़ 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 जखोल विलेज में आएँ और लेखा टॉप को कंप्लीट करें, और रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हैं, गंदगी वंदगी ना करें, अपना एक ट्रैक गाइड लें हमारे जखोल विलेज लोकल से तो बहुत ही अच्छा होगा। और मेगा भाई हमारे यहाँ, मेगा भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कभी भी इनको कॉल करें। ही इज बड़ा बेईमान है, बड़ा तूफान है, आज मौसम परेशान है, ऐसे हो रहा है ना, इसमें तीन 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 है। और ये हमारा बीच में क्या हो रहा है, क्या सूक्ष्म जलपान सूक्ष्म सूक्ष्म जलपान डंडी का। हाँ, बीच में हम बैठे हैं कुछ खाने के लिए, थोड़ा थक गए हैं इसलिए अब हम बिस्किट का सहारा लेंगे खाने के लिए। हमारे पास वैसे बहुत सारी सामग्री है जो हमारे बैग में पैक है, लेकिन अभी हम ये है, और ये चना है, चना है, ये चने के साथ के लिए इलायची दाना है, ये पान की टॉफियां हैं, जो कुछ हमसे हो पाया वो हमने लिया है, और अभी बहुत सारा सरप्राइज बैग में है। ये हमारा जो ट्रैक है, ये वाला जो भी हमने ये बना रहे हम, ये जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, हमारे जैसे एक रुपए नहीं लगा इसमें। आप यही पहली बात तो ये मेरे को बोलना है, तुम्हें नहीं बोलना है, मतलब मेरे लिए ट्रिप, ये जो मेरा ट्रैक है जीरो इन्वेस्टमेंट, जब से मैं गांव में आया हूँ तब से मेरा एक भी ढेला खर्च नहीं हुआ गाँव में आके, सारी चीज़ें फ्री हैं और बहुत अच्छी, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मुझे मिल रही हैं खाने पीने के लिए, किसी चीज़ की जीपी भाई के शहर में कमी नहीं हो रही है, मुझे हर चीज़ वक्त से मिल जाती है, रात में भी मेरा कुछ खाने पीने का मन होता है तो मुझे मिल जाता है। तो शायद अब हमें कुछ ही वक्त लगेगा पहुंचने में, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा ट्रैक और करना है हमें, तो लंबे इंतज़ार और लंबी ट्रैकिंग के बाद हमें एक फाइनली एक ऐसी जगह, एक ऐसे पीक पे जाने को मिलेगा जो अभी तक हमारा ड्रीम था, उसको मैं कंप्लीट करूँगा, और देखता हूँ कि ऊपर पहुँचने के बाद कैसे नज़ारे होते हैं। एक्चुअली ये जो ट्रैक है, इट्स एक्चुअली डिफाइंड टू माय चैनल नेम ट्रैवल इन वे, यही मेरे नाम चैनल का नाम है, और यही इसका उद्देश्य है, पहाड़ों को चढ़ना एक योद्धा की तरह, और चढ़ाई करने वाला एक ट्रैवलर। ये ना, ये देखो, इस बर्फ़ से जो पिघल रहा है पानी, वो ये निकल रहा है, ये बर्फ़ का पिघला हुआ पानी है सारा, इस रास्ते से जो जा रहा है। अब ये बर्फ़ के रास्ते से निकलते हुए हम जाएंगे, स्नो क्रॉसिंग आई है हमारी, और धूप भी शानदार आ गई, अभी तक तो थोड़ा क्लाउडी सा वेदर हो रखा था, ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है, और हम ये बर्फ़ के बीच में से निकलते हुए जा रहे हैं, आपका भाई ट्रैवल इन वे। तो बस मेरी आप सबको यही रिक्वेस्ट है, ये सजेशन है कि प्लीज़ अपने भाई, अपने दोस्त ट्रैवल इन वे को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल ट्रैवल इन वे को, प्रमोट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, जो भी है, जहाँ भी जाना है या कुछ आप सजेस्ट करते हैं बताना मुझे, मैं आपके लिए तैयार हूँ करने के लिए। थोड़ी सी उम्मीदों के अनुरूप थोड़ी हंसी ठिठोली भी चल रही है, बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है।